The prophet stories are amazing, we like to hear the prophet stories, we like to hear the prophet stories. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Kaise ho bachcho? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशा अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह आज हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के तकरीबन 1000 साल बाद पैदा हुए। कई नस्लों तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बुतों की पूजा करते रहे और बुतों को अपना खुदा मानते रहे। वो यकीन रखते थे कि ये बुत उनके लिए अच्छा करेंगे, उनकी बुराई से हिफाजत करेंगे और उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। असल में जब उनमें से सब अच्छे लोग वफात पा गए तो शैतान ने उन लोगों को उन जगहों पर बुत बनाने पर मजबूर किया जहां वो लोग बैठते थे, ताकि उन बुतों की यादें जिंदा रहे। हत्ता कि वो लोग उन बुतों की पूजा नहीं करते थे, मगर बाद में जब उनकी नस्लें अल्लाह की रहनुमाई से दूर हो गईं, तो उन्होंने उन बुतों को पूजना शुरू कर दिया। इस तरह बुतों की पूजा शुरू हुई। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक शानदार खतीब यानी लोगों से खुतबा करने वाले और साबिर इंसान थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की बराई के मुतालिक बताया। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुतों की पूजा ना करने पर आगाह किया और बयान किया कि अगर वो ये गुमराही के काम करते रहे, अल्लाह बहुत खौफनाक अजाब देगा। नूह अलैहिस्सलाम के लोगों को इस आगाही के बाद दो ग्रोहों में तकसीम कर दिया गया। आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज गरीब और कमजोर लोगों के दिलों को छू गए, जबकि अमीर और ताकतवर लोग आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। उन्होंने आपकी इस नसीहत को झुठलाया और बिल्कुल यकीन ना किया कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने सोचा कि आप अलैहिस्सलाम उन लोगों की तरह एक आम इंसान हैं। जब उन्होंने देखा कि आप अलैहिस्सलाम के पैगाम ने गरीब बेबस और आम मजदूरों को अल्लाह की तरफ रागिब किया है, तो अमीरों के एक सरबराह ने आपसे बहस करनी शुरू कर दी। नूह, हम ताकतवर और अमीर लोग हैं, तुम गरीब लोगों को अपने यकीन की तरफ मत बुलाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी से जवाब दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म और अकलमंदी से उनके एतराजात को गलत करार दिया। अब ये सरबरा इन एतराजात से थक चुके थे। नूह, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह से वो अजाब लेकर आओ जिसके बारे में तुम हमें बता रहे हो। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, सिर्फ अल्लाह ही अजाब लेकर आ सकता है। जब अल्लाह तुम्हें अजाब देना चाहेगा तो तुम उससे भाग नहीं सकते। जाहिर है तुम गलत हो, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको तहम्मुल से जवाब दिया, ऐ मेरे लोगों, मैं गलत नहीं हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अच्छी नसीहत दे रहा हूँ। मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कुछ लोग बहुत बुरे थे। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को अल्लाह पर यकीन कराने की कोशिश जारी रखी। घंटे
घंटे बाद, दिन दिन के बाद और साल साल के बाद आप अलैहि सलाम उनको अल्लाह की तरफ, दिन हो या रात, अंधेरा हो उजाला, वो बुलाते रहे, मगर उन्होंने अपने कानों में उंगलियां रख ली और वो भागते रहे। नूह अलैहि सलाम उनको अल्लाह पर यकीन करने के लिए सालों तक कोशिश करते रहे। बहुत सी नस्लें गुजरती गई मगर अल्लाह पर यकीन रखने वालों की तादाद में इजाफा ना हुआ, क्योंकि वो काफिर अपने बच्चों को नूह अलैहि सलाम के बच्चों पर यकीन ना करने के लिए सिखाते रहे। उनके बच्चों ने अगली नस्लों को भी यही सिखाया। हजरत नूह अलैहि सलाम अपने लोगों के लिए उदास थे। आखिरकार जब आप अलैहि सलाम ने देखा कि कोई भी आप पर यकीन नहीं कर रहा, तो आप अलैहि सलाम ने अल्लाह से उनको तबाह कर देने की दुआ की। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहि सलाम की दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह ने आप अलैहि सलाम को एक संदूक बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहि सलाम ने शहर से दूर, दरिया से दूर एक जगह का इंतखाब किया। आप अलैहि सलाम ने लकड़ियां और औजार इकट्ठे किए और दिनों रात संदूक बनाने पर काम करते रहे। काफिर आप अलैहि सलाम पर हंसते रहे और आपका मजाक उड़ाते रहे। तुम ये संदूक दरिया से इतनी दूर क्यों बना रहे हो? क्या तुम इसको दरिया की तरफ खींच कर ले जाओगे या हवा इसको उड़ा कर ले जाएगी? आप अलैहि सलाम ने जवाब दिया कि तुम लोगों को जल्द ही मालूम हो जाएगा और वो ये ना समझ सके कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने आप अलैहि सलाम को पागल कहा और आपका मजाक उड़ाने लगे। जब वो तैयार हो गया तो उसने कश्ती की शक्ल ले ली। नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह के अगले हुक्म का सब्र से इंतजार किया। अल्लाह ने नूह अलैहि सलाम को बताया कि जब पानी मौजजाती तौर पर आप अलैहि सलाम के घर के संदूक से भर आएगा तो वो वक्त सैलाब आने की निशानी होगी और ये निशानी नूह अलैहि सलाम के काम करने की इलामत है। वो दिन आ गया जब हजरत नूह अलैहि सलाम के तंदूर में से पानी बहने लगा। हजरत नूह अलैहि सलाम ने जल्दी से कश्ती को खोला और सारे ईमान वालों को उसमें बैठने को कहा। आप अलैहि सलाम ने एक ही जिन्स के मादा और नारी यानी मर्दाना और जनाना इकसाम के जानवरों, परिंदों और कीड़ों के जोड़ों को भी साथ ले लिया। लोगों ने आप अलैहि सलाम को जोरों से मजाक उड़ाया। जरूर नूह का दिमाग खराब हो गया है, वो इन जानवरों का क्या करेगा? काफिर उनके साथ ना गए। नूह अलैहि सलाम की बीवी और एक बेटा काफिर थे, इसलिए उन्होंने आप अलैहि सलाम के साथ जाने से इनकार कर दिया। 80 से कम लोगों ने आप अलैहि सलाम के साथ शिरकत की। पानी जमीन के ऊपर से भी गुजर कर बह गया। बारिश आसमान से इस तरह बरस रही थी जैसे कभी बरसी ही ना हो। घंटे घंटे बाद पानी की शिद्दत बढ़ती गई। जमीन का अंदरूनी हिस्सा अजीब तरह से हिला। समंदरों की तह हिल गई। अचानक खुश्की पर भी सैलाब आ गया। नूह अलैहि सलाम ने अपने बेटे को कहा, ए बेटे, हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ मत जाना। मैं एक ऊंचा पहाड़ चढ़ लूंगा और अपने आप को पानी से बचा लूंगा। तुम हरगिज अपने आप को नहीं बचा सकते, सिर्फ अल्लाह ही तुम पर रहम कर सकता है। अचानक एक बड़ी सी लहर आई और आप अलैहि सलाम की बीवी और बेटे को बहा कर ले गई। सारे काफिर भी डूब गए। सैलाब ने जमीन को साफ और काफिरों को तबाह कर दिया। अल्लाह ताला ने आसमान को हुक्म दिया कि बारिश बरसाना रुक दो और जमीन को हुक्म दिया कि पानी पी जाओ। कश्ती फिर जूदी पहाड़ पर जा रुकी। नूह अलैहि सलाम बहुत उदास थे और अल्लाह के आगे अपनी बीवी और बेटी के लिए बहुत रोए, क्योंकि वो दोनों काफिर थे। अल्लाह ने आप अलैहि सलाम को जवाब दिया कि वो अपने खानदान में शामिल नहीं थे,
کیونکہ وہ لوگ کافر تھے۔ سچے خاندان اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ نوح علیہ السلام نے پرندوں، جانوروں اور کیڑوں کو آزاد کر دیا جو ادھر ادھر بکھر گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر زمین پر سجدے میں رکھ دیا۔ جن کی جان بچ گئی انہوں نے زمین پر لکڑیاں جلائی اور کھانا پکایا، کیونکہ وہ لوگ اس سارے وقت کے دوران جب تک وہ کشتی میں تھے اپنے لیے کھانا نہ بنا سکے تھے۔ انسانوں کے لیے یہ ایک نئی شروعات تھی۔ اس دن کے بعد ایمان رکھنے والوں نے اپنی نئی نسلیں شروع کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اللہ پر یقین رکھنے اور مغرور نہ ہونے کی تاکید کی۔ آج کے لیے ہمارے نبی کی کہانی مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم اور نبیوں کی کہانیوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ شکریہ۔ The Prophet's Story. If you like our videos, to support Iqra Cartoon, please share and subscribe to our channel.